धर्म खतरे दे विच क्यों हुंदा, किवें देखदे? देखो जी, धर्म खतरे च है ते ये गल सियासत दे विच बड़े मायने रखती है ते ये सारी दुनिया से सुनन नूं मिलदी है। साडे पंजाब विच जां हिंदुस्तान जां किते हरी दुनिया दे विच ये गल सुनन नूं मिलदी है कि फलाना धर्म खतरे च चल गया। इहदे च टैक्निकली पॉइंट नोट करन वाला ये आ कि वह दुनिया दे विच वह धर्म खतरे च जांदा जिहड़े धर्म नूं मन्नण वाले लोग मजॉरिटी च हुंदे ने। हिंदुस्तान दे विच करीब करीब 80% आबादी हिंदू धर्म नूं मंनदी है ते इत्थे हिंदुस्तान दे विच हमेशा हिंदू धर्म खतरे च ही रहिंदा। आपां पंजाब च रहिंदे आ, पंजाब च सिख धर्म नूं मन्नण वाले लोग बहुत गिणती च ने, इत्थे हमेशा खालसा पंथ ही खतरे च रहिंदा। 95% क्रिश्चन धर्म जदों खतरे च आया ते उहदा नतीजा की निकलिया, 60 लाख लोग गैस चैंबरां दे साड़ के मार दिते गए। 15-15 दिन के 10-10 दिन के बच्चे खो के मावां तों पुलिस वाले ने गोलियां मारियां उन्हां दे सिरां च, हैं 6-6 महीने के बच्चे मावां कोलों खो खो के पुलिस वाले ने पटक पटक के मारे सड़कां ते। उह जदों धर्म किसे दा खतरे च आउंदा ते ऐ कुछ हुंदा। ये नलायक सरकारां दीआं चालां ने, घटिया सियासतदानां दीआं चालां ने। एक घटिया लोक, ये नीच लोक, ये गिरे हुए लोग जो डिलीवर तां करदे नहीं और लोगों को उलझाउंदे, इहो ही आ। धर्म लोगों की परसनल चीज़ आ, लोग जज्बाती हो जाते हैं, इन्हां दे मगर लग जाते हैं, सरकारां बच निकलदियां ने, डिवेलपमेंट का मुद्दा बैकबर्नर ते चला जाता, सामने आ जाता जी ये राम मंदिर का मुद्दा आ गया जी, ये खालिस्तान का मुद्दा आ गया जी, ये फलाना मुद्दा आ गया जी। वो कहने का मतलब है कि लोग उलझ जाते हैं। डिवेलपमेंट का मुद्दा कित्थे आ, हैं? और नौजवानों का मुद्दा कित्थे आ, बेरोजगारी का मुद्दा कित्थे आ, महंगाई का मुद्दा कित्थे आ, सारे मुद्दे गैब हो जाते धर्म के नाम के उत्ते। ये सानू समझना पेगा, लोगों को समझना पेगा कि असी इन्हां मुद्दों च नहीं उलझना, इन्हां सरकारां दीआं चालां अपने आप ही खत्म। सत श्री अकाल द सिटी एयरलाइंस देख रहे हो तुसीं, मैं तुहाडा दोस्त गगन समाद। अज डॉक्टर बलविंदर औलख मेरे नाल मौजूद ने, गलबात होनी है कि मुद्दे ते विचार होने, उन्हां दे नाल तुहाडे लई वी वीडियो खास होने वाली है, तो गलबात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, अज अपना मुद्दा हैगा कि पंजाब की आप गल कर लगे, देशों विदेशों की गल कर लगे, पाकिस्तान की गल कर लगे, बाहरले मुल्कों की गल कर लगे, एक रौला बड़ा पैंदा धर्मां नूं लैके। जदों भी कोई गल हुंदी है तां वख वख लोक वख वख धर्मां दे नाल जुड़े है, वह ये गल कहिंदे ने कि साडा धर्म खतरे दे विच है। धर्म खतरे दे विच क्यों हुंदा, किवें देखदे हो? देखो जी, धर्म खतरे च है ते ये गल सियासत दे विच बड़े मायने रखती है ते ये सारी दुनिया से सुनन नूं मिलदी है। साडे पंजाब विच जां हिंदुस्तान जां किते हरी दुनिया दे विच ये गल सुनन नूं मिलदी है कि फलाना धर्म खतरे च चल गया। इहदे च टैक्निकली पॉइंट नोट करन वाला ये आ कि वह दुनिया दे विच वह धर्म खतरे च जांदा जिहड़े धर्म नूं मन्नण वाले लोग मजॉरिटी च हुंदे ने। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदा, हिंदुस्तान दे विच करीब करीब 80% आबादी हिंदू धर्म नूं मंनदी है ते इत्थे हिंदुस्तान दे विच हमेशा हिंदू धर्म खतरे च ही रहिंदा। आपां पंजाब च रहिंदे आ, पंजाब च सिख धर्म नूं मन्नण वाले लोग बहुत गिणती च ने, इत्थे हमेशा खालसा पंथ ही खतरे च रहिंदा। पाकिस्तान च चले जाइए, उत्थे इस्लाम नूं मन्नण वाले लोग तकरीबन 97% ने, उत्थे हमेशा इस्लाम खतरे च आ। पर अफगानिस्तान च चले जाइए, उत्थे 99.3% लोग जिहड़े इस्लाम नूं मनदे आ, उत्थे ते इस्लाम बहुत ही बड़े खतरे च आ। अगे थोड़ा जहा गांह लंघ जाइए ईरान दे विच, उत्थे 99.6% लोग जिहड़े ने इस्लाम नूं मनदे आ, उत्थे भी इस्लाम खतरे च आ। हुण थोड़ा जहा इतिहास दे विच जे अहीं पन्नियां च जांदे आ ते एक टाइम आया सी 100 साल पहलां जदों जर्मनी दे विच क्रिश्चन धर्म खतरे च आ गया सी, और क्रिश्चन धर्म नूं मनण वाले लोगों की तादाद सी 95%, 5% सीगे यहूदी। वह यहूदियों का धर्म तो खतरे च आया नहीं ते क्रिश्चनां का धर्म खतरे च आ गया क्योंकि वह मजॉरिटी च सीगे। इत्थे एक सवाल आउंदा है कि फिर इहदा मतलब यह कह सकते हैं जिहड़े 95% लोग हिंदू आ जां इस्लामिक आ जां सिख समाज के बंदे आ ते जिहड़े बाकी बचे 5% लोग आ कि उह 95% ते भारी पै गए? नहीं, कोई भारी नहीं पिया। इहदा मुद्दा एक होर आ, मैं तुहानूं दसदा उहदे बारे, हैं कि देखो वो जिहड़े 95% क्रिश्चन धर्म जदों खतरे च आया ते उहदा नतीजा की निकलिया, 60 लाख लोग गैस चैंबरां दे साड़ के मार दिते गए। 15-15 दिन के 10-10 दिन के बच्चे खो के मावां तों पुलिस वाले ने गोलियां मारियां उन्हां दे सिरां च, हैं 6-6 महीने के बच्चे मावां कोलों खो खो के पुलिस वाले ने पटक पटक के मारे सड़कां ते। वह जदों धर्म किसे दा खतरे च आउंदा ते ऐ कुछ हुंदा। एक होर मुल्क आ सुडान, तुहानूं पता नूं एग्जाम्पल दिंदा, उहदे दो हिस्से हो गए, उत्तरी सुडान ते दक्षिणी सुडान। उत्तरी सुडान दे विच इस्लाम धर्म नूं मन्नण वाले लोग बहुत गिणती च ने, इस करके उत्थे इस्लाम खतरे च आ। दक्षिणी सुडान दे विच क्रिश्चन धर्म नूं मन्नण वाले लोग खतरे बहुत गिणती च ने, उत्थे क्रिश्चन धर्म खतरे च आ। इह जदों वी कोई बहुत गिणती वाले धर्म दे लोग हुंदे ने उही खतरे च आउंदा। हुण सवाल इत्थे इही आ गया
कि खतरे च होंदे क्यों आ, कारण की है? कारण इस करके आ कि दुनिया का जिहड़ा अर्थचारा है वह पिछले करीब कई सौ सालों तो और खास करके पिछले 50-60 सालों तो बड़े ही गलत हाथों में है। दुनिया दियां सरकारां जिहड़ियां ने वकाऊ सरकारां ने गिरियां हुई सरकारां ने लोगों दियां दुश्मन सरकारां ने इन्होंने किसी भी मोर्चे ते कुछ भी डिलीवर नहीं किया। लोग सवाल पुछते हैं कि सानूं डिवेलपमेंट चाहिए आ, सानूं एजुकेशन चाहिए आ, सानूं मैडिकल चाहिए, सानूं बच्चों का भविष्य चाहिए है, तो वो चीज़ा तो ये दे नहीं सकते। फिर ये सरकारां ये सिस्टम रल के लोगों नूं धार्मिक मुद्दों चल जाता तुहाडे सामने वो लोग खड़े कर दिते जाते हैं, तुहाडा धर्म जी खतरे च, धर्म लोगों की परसनल चीज़ आ, लोग जज्बाती हो जाते हैं, इन्हां दे मगर लग जाते हैं, सरकारां बच निकलदियां ने, डिवेलपमेंट का मुद्दा बैकबर्नर ते चला जाता, सामने आ जाता जी ये राम मंदिर का मुद्दा आ गया जी, ये खालिस्तान का मुद्दा आ गया जी, ये फलाना मुद्दा आ गया जी। वो कहने का मतलब है कि लोग उलझ जाते हैं, तो इस करके सरकारां नूं बच निकलण दा मौका मिल जाता। सरकारां और सिस्टम ही जड़ ने, मतलब आप कह सकते हैं कि धर्म के नाते लोगों दी भावनावां नूं भड़काया जाता, भड़काया जाता, बिल्कुल भड़काया जाता। लोग धर्मां दे विच देखो, हुण धर्मां दे बारे चलिए, भगवत गीता च किन्ना वधिया संदेश दिता गया, मुक्ति का मोक्ष का संदेश दिता गया, बाइबल दे विच प्यार सिखाया गया, कुरान शरीफ दे विच किन्नियां चंगियां गल्लां कहियां गईयां, इत्थों तक कहा गया कि तेरा धर्म तैनू मुबारक, मेरा धर्म मैनू मुबारक। हज़रत मुहम्मद साहब जिहड़े सी किन्ने वधिया इंसान सीगे, उहनां दे आंढ गवांढ च ते यहूदी लोग रहिंदे हुंदे सी, इक कहानी भी आउंदी है ना, इक यहूदी औरत उहनां नूं गालां कढ़दी हुंदी सी और उहदे नाल उह किन्ने प्यार नाल बोलदे हुंदे सी। उह कहण दा मतलब इह है कि धर्म ते सिखाउंदा प्यार है, इह जिहड़ी सियासत आ इह सिखाउंदी नफ़रत, ये जिहड़ी नफ़रत सिखाउंदी आ इह क्यों सिखाउंदी आ, क्योंकि जिहड़े सत्ताधारी ने वह महानलायक ने, महागंदे ने, महानीच ने, महा गिरे हुए लोग ने, उन्होंने लोगों को डिलीवर तो किया नहीं, डिवेलपमेंट तो दी नहीं, दिता कि धर्म के नाते भड़काट, और ये लोग इस चक्कर से फस जाते हैं। मैं तो लोगों को यह कहना कि जो तुहाडे सामने कोई बंदा मिले कि तुहाडा धर्म खतरे च आ, उहदे नाल पिट करके खड़े हो जाओ, उन्हें कि भरावा तेरा धर्म खतरे च होगा, मेरा तो है नहीं, यही जवाब है इन्हों, तो इस ता ही इन्होंने कंट्रोल होना। अं धर्म के नाँ के उत्ते भड़काट चाउणा बंद करिए, जो धर्म आ जाता डॉक्टर साहब तो उदों डिवेलपमेंट भी खत्म होगी, उदों बच्चों का भविख भी खत्म हो गया, उदों एजुकेशन भी खत्म होगी, उदों मैडिकल साइंस भी खत्म होगी, मतलब उदों सारिया चीज़ा उस साइड पर चली जाती, उदों धर्म इंपोर्टेंट हो जाता। मैं कहना तुम देख रहे हो ना अपने मुल्क के, अपने मुल्क मुद्दे कहे है जी, वो शिवलिंग निकला है जी किसी मस्जिद के, है वो एक इतने इतने मंदिर का मुद्दा आ गया जी, इतने शमशान घाट का कब्रस्तान का मुद्दा आ गया जी, इतने असली मुद्दे कितने ने, डिवेलपमेंट का मुद्दा कितने आ, है और नौजवानों का मुद्दा कितने आ, बेरोजगारी का मुद्दा कितने आ, महंगाई का मुद्दा कितने आ, सारे मुद्दे गैब हो जाते धर्म के नाँ के उत्ते। सानू समझना पेगा, लोगों को समझना पेगा कि असी इन मुद्दों नहीं उलझना, इन सरकारों दी चालां अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सो ये चालां कह सकते हैं सरकारां दी चालां ने, जां जिहड़े बंदे सियासत दे विच बैठे आ, जिहड़े बंदे कुर्सी संभाली बैठे आ, उन्हां सारिआं दे चालां ने, ये नलायक सरकारां दी चालां ने, घटिया सियासतदानां दीआं चालां ने, एक घटिया लोक, ये नीच लोक, ये गिरे हुए लोग जो डिलीवर तो करते नहीं और लोगों को उलझाते, यही आ सार तत्। सो डॉक्टर बलविंदर औलख मौजूद सन, जिन्होंने कई जानकारियां सानू सांझियां कीतियां, कि विचार सांझे कीते कि किस तरीके नाल साडा जिहड़ा ध्यान भड़काया जांदा तां जो असीं डिवेलपमेंट की गल ना कर सके, जो असी सिस्टम की गल ना कर सके, बेरोजगारी की गल ना कर सके, महंगाई की गल ना कर सके, किस तरीके साडा ध्यान जिहड़ा भटकाया जाता है, तो एक धर्म नूं आपां कह दईए आड़ जिहड़ा बनाया जाता। तुसीं साडे नाल जुड़े हो, द सिटी हेडलाइंस देख रहे हो, मैं तुहाडा दोस्त गगन समाध, नाल कैमरामैन प्रिंस कुमार।